वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक वही रनिंग में है, यूनिट कन्वर्जन। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था वॉल्यूम से रिगार्डिंग, आज अपन बात कर रहे हैं लेंथ से रिगार्डिंग। अपन यहाँ पर कुछ यूनिट लिए अपन ने जो स्मॉल क्वांटिटीज के लिए यूज आती है, जस्ट लाइक इनमें रिलेशन है, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, वन एंगस्ट्रोम, इनको क्लियरली आप इनको लर्न कीजिएगा, ये आपके यूज आएगी एज इट इज, फिजिक्स में भी यूज आती है। वन एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर इज इक्वल टू 10^-8 सेंटीमीटर, क्लियर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर इज इक्वल टू 10^-7 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर इज इक्वल टू 10^-10 सेंटीमीटर। और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-6 मीटर इज इक्वल टू 10^-4 सेंटीमीटर। ये सारे रिलेशन है, इन रिलेशन के बेस पे अपन यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ कन्वर्जन करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। जैसे अपन ने फर्स्ट एग्जांपल लिया, एक आपका वायर है उसकी लेंथ दे रखी है 5, 8, 9, 6। क्वेश्चन है अपने पास में, वो लेंथ दे रखी है 5, 8, 9, 6 एंगस्ट्रॉम, 5, 8, 9, 6 एंगस्ट्रॉम। इसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें नैनोमीटर, इसमें करना है बेटा इसको नैनोमीटर, 5, 8, 9, 6 एंगस्ट्रॉम को आपको इसमें करना है नैनोमीटर में। सपोज आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, वैल्यू दे रखी है एंगस्ट्रॉम में, आंसर दे रखे आपको नैनोमीटर में, तो वहां पर आपको फिर यूनिट कन्वर्जन करना होगा, क्लियर। तो देखिए, अपने पास रिलेशन है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर। तो देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5, 8, 9, 6 इंटू 10^-10 मीटर, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होगा आपका 10^-10 मीटर, क्लियर। अब देखिए नैनोमीटर में अपन इसको कैसे ले जा सकते हैं, ध्यान दीजिए, नैनोमीटर के लिए भी अपन रिलेशन ले सकते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10^-9 मीटर, क्लियर। इस वैल्यू को अपन इसमें चेंज कर सकते हैं 5, 8, 9, 6 इंटू 10^-9 इंटू 10^-1 मीटर, ले सकता हूं मैं से इसको 10^-9 इंटू 10^-1 मीटर ले सकता हूं मैं इसको क्लियरली, ठीक है। अब अपन जानते हैं 10^-9 मीटर इसके इक्वल होता है आपका नैनोमीटर, इसके इक्वल होता है बेटा नैनोमीटर के, तो इस 10^9 मीटर की प्लेस में अपन क्या ले सकते हैं नैनोमीटर, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी नैनोमीटर में चेंज हो जाएगी। देखिए 5, 8, 9, 6 इंटू 10^-1 इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया नैनोमीटर, क्या लिख दिया इसको नैनोमीटर। अब इसका माइनस वन है तो इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं 5, 8, 9.6 नैनोमीटर, आपका क्या हो जाएगा क्लियर आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसमें अपन ने क्या किया, एंगस्ट्रॉम को चेंज किया किसमें, नैनोमीटर में। अब इससे रिगार्डिंग में आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियरली आपको सारे यूनिट के रिलेशन पता है तो अपन इजी गोइंग रिलेशन कर सकते हैं, किसी को अपन को ब्रेक करके उसमें वो ढूंढना है कि वो है या नहीं है। देखिए आगे आप इसमें लेते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, कोई वेव है अपने पास में, सब जानते हो वेव, उस वेव की वेवलेंथ दे रखी है अपन को 28.7 पिकोमीटर, क्या दे रखी है 28.7 पिकोमीटर, इसको अपन को चेंज करना है किसमें सेंटीमीटर में, इसमें चेंज करना है बोला इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। आप देखिएगा
सबसे पहले तो आप देखिए रिलेशन, वन पीकोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10^-12 मीटर होता है, नहीं होता। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 10^-10 सेंटीमीटर आएगा, नहीं आएगा, आया ना। तो देखिए तो क्या ले सकता हूं मैं, 28.7 × 10^-10 सेंटीमीटर, आया ना। वन पीकोमीटर क्या है, वन पीकोमीटर के प्लेस पे अपन ने क्या कर दिया यहां पर 10^-10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर मीटर और सेंटीमीटर दोनों रिलेशन दे रखे हैं। वन पीकोमीटर इक्वल टू 10^-12 सेंटीमीटर, 12 मीटर इक्वल टू 10^-10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो इसका आंसर अपना हो गया 28.7 × 10^-10 सेंटीमीटर, इज क्लियर। ये आपके दो एग्जाम्पल थे, बाकी एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपको नोट्स में गिवन है, उनको सोल्व करना, कोई डाउट हो तो बताना, क्लियर। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।